जो बच्चे आज की दुनिया में अपने आप को स्मार्ट कहते हैं, पर्सनालिटी वाले कहते हैं, उनकी पर्सनालिटी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है जब कैरियर असफल हो जाता है। और जिन बच्चों के पास पर्सनालिटी नहीं है, जैसे तैसे बाल बिखरा हुआ है, शरीर भी लड़का रूप पर घमंड करता है, मेरा रूप इतना खूबसूरत, अच्छा जन्म के पहले पता था आपको, ये तो परमात्मा की इतनी खूबसूरत कलाकृति है, चाहे जिस रूप में हम होने दिया सर्वश्रेष्ठ है, जिस भाव से हमें पैदा किया, इस धरती पर अगर जन्म लिए तो ऋषि पुत्र है, इसमें कोई शक नहीं है। पश्चिमी देशों में मेरा जन्म हुआ था तो इस बातों को गर्व से नहीं करते, लेकिन जिस दक्ष देश में जन्म हुआ है, उस देश की कहानी, उस देश की मिट्टी, उस देश के रग रग में ऋषियों के स्नेह प्यार तप ये बसा हुआ है, उस ऋषि की धरती पर जन्म लेने वाले संतान ऋषि पुत्र ही होते हैं। भले ऋषि की पुत्र जन्म लेने के बाद हम कुमार गामी बन जाते हैं और अपने रास्ते को भटकाते चले जाते हैं, सच पूछिए तो गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, सर्द मिट्टी मुलायम और गठी होनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, दादा गुरु जब दर्शन देते हैं गुरुवर को, गुरु जी के गुरु जी, तो एक ही चीज सिखाते हैं कि जिस तरीके से एक माँ को हर चीज की चिंता होती है, तुम कभी अविश्वास मत करना कि मेरा काम कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा। गुरुवर के जुग निर्माण योजना की लाइन है, सब याद नहीं है, लोक मंगल की भावना से कार्य करने वाले व्यक्तियों की झोली में कभी खाली नहीं रखूंगा, उनके अनुदान उन पर मेरा अनुदान वरदान बरसता रहेगा, उस प्रकार जिस प्रकार मेरे गुरु ने मेरे ऊपर बरसाया। इनके गुरु ने कैसे बरसाया, तो चौथा पास व्यक्ति 3200 किताब लिखी, यहां मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन BAML MSc करके बैठे हैं और किताब खोल कर अपनी जिंदगी का पन्ना लिखने का ढंग नहीं है कि कब उठा जाता है, कब सोया जाता है, कब पढ़ाई किया जाता है, कब सही तरीके से अपने जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाया जाता है, नहीं पता है। उसी गायत्री के रूप को उन्होंने ले जाके देव स्थापना के रूप में दिया और बोले जो बाबा गए थे वहां स्थापना कराने, बेटी नियमित गायत्री की साधना करना, जिंदगी में वेद में लिखा गया है, अस्तुता माया वर्धा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजा नाम आयु प्राणा प्रजा पशु कीर्ति द्रव्यम ब्रह्मचर्ष मह्यम दत्वा पुजत्र ब्रह्मलोक। किसी चीज की तेरी आंचल में तेरी झोली में कमी नहीं होगा, स्नेह से तुम मालिक का आंचल पकड़ लो, गुरु का आंचल पकड़ लो, बिना हिचक के। यहाँ तो आने वाला युवा संशयी है, सोचता है नहीं, बार बार संडे को एक ही बात बताया जाता है, कैसे मान ले कि गायत्री जपेंगे तो ये हो ही जाएंगे, तो इसका प्रूफ दे दीजिए ना, नहीं जपिएगा तो सत्कर्मी बनिए जाइएगा, है आपके पास कोई मशीन? ये तय मानिए कि अगर यहां से हजारों मील दूर सूर्य है, उसके सामने लेंस लगा के नीचे माचिस की तिल्ली लगाई जाए तो देर हो सकता है, लेकिन वो चलेगा अवश्य, कोई काट नहीं सकता है, किसी भी ज्ञान की ताकत नहीं है कि इसको झूठा साबित कर दे। बड़ा सा कूड़ा का ढेर लगा दीजिए और एक माचिस की तिल्ली मार के देखिए, रात होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिंदगी में चाहे जितने भी मस्तिष्क आपके कुकर्मों में लिप्त हो गए हैं, उस माचिस के दिल्ली के रूप में अगर गायत्री महामंत्र को अपने शरीर में अवतरित कर लेते हैं, तो इस धरती में असंभव सब उसकी जिंदगी से समाप्त होता है। और अम्लीमाल जैसा डाकू, रत्नाकर जैसा डाकू वाल्मीकि बन जाता है, अम्लीमाल जैसा व्यक्ति सन्मार्गी बन जाता है। तो ये बन
बच्चे जो अभी चार दिन से पटना में आके अनबनों के बीच में आके भटक गए हैं, मैं दावा के साथ कहता हूँ कि अपनी जिंदगी बदल के सम्मानगामी होंगे और यही वो सपूत होगा जो कभी विवेकानंद हुआ करते थे, यही वो सपूत होंगे जो कभी भगत सिंह हुआ करते थे। स्थापना के बाद लौट जाते हैं, मुश्किल से दो तीन महीना बीतता है, अचानक पति ऑफिस में डेली जैसे जाते हैं, ऑफिस गए, आवाज आती है पीछे से, बेटी सुधा। उनको लगता है कि मैं भ्रम में हूं, क्योंकि ऐसे जगह पर जहां मेरा कोई नहीं है कौन बुला सकता है। फिर आवाज आती है बेटी सुधा, फिर संशय में अंधविश्वास में रहती है कि यहां तो मेरा कोई नहीं है और पति तो ऑफिस चले गए, यहां से 22 किलोमीटर दूर उनकी ऑफिस है, वो इतना जल्दी लौट के आ कैसे सकते हैं। फिर तीसरे बार जोर से आवाज होती है बेटी सुधा, अपने आप को रोक नहीं पाती है, जैसे ही गेट खोलती है देखती है साक्षात गुरुवर शरीर खड़ा है और गुरुवर को खड़ा देखते हुए भारत की एक भावना है कि आप जिस व्यक्ति को दिल से मान लेते हैं, जैसे ही वो निगाहों के सामने आता है झुक के प्रणाम करना शुरू करते हैं, और खास करके जिसको गुरु मान लिए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि आपने दी है, उतने बड़े गुरुवर का चरण छूना तो सौभाग्य की बात होगी, वो भी जब लोगों ने कह दिया हो कि ये शरीर छोड़ चुके हैं। सुधा को लगता है कि लोग झूठे कह गए थे, गुरुवर तो साक्षात आ गए हमारे यहाँ। जैसे ही वो झुकती है प्रणाम करने के लिए, गुरुवर के चरणों में पीछे गैस का सिलेंडर फटता है और पूरा वो पीछे उड़ जाता है, वो बदहास हो जाती है। अचानक उठ के देखती है तो गुरुवर वहां थे ही नहीं, तुरंत पति को फोन करती है और पति को बताती है कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है, और तत्काल ऑफिस से छुट्टी लेके दोनों पति पत्नी शांति कुंज जाते हैं और इस घटनाओं का जिक्र करते हैं कि आप जिस चीज को कहते थे कि गुरुवर है नहीं, उन्होंने साक्षात दर्शन दिया, उन्होंने साक्षात मेरी जान बचाई, इस गुरु की कृपा अमिट होती है। अभी आप इस बिजली की कृपा के बारे में देख सकते हैं, आपको दिखता है कि लाइट कहां से आया है, आपको आया तो हमें दिखा कि सीढ़ी से चलते हुए छत पर बैठे, लेकिन यह बिजली कहां से आई आपने देखा नहीं, इस बिजली को देखा नहीं लेकिन इसकी पावर को सब जानते हैं। उतनी लंबी ट्रेन हो या बड़े बड़े कल कारखाने हो, जब चलाने की बात आती है तो ये बिजली का यूज किया जाता है। ठीक गायत्री की शक्ति इसी बिजली की तरह है, जब व्यक्ति जैसे जिस रूप में चाहता है उस रूप में उस गायत्री की शक्ति को अपनाने के लिए सही दिशा में कार्य करता हुआ चला जाता है, वही गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती चली जाती है। अभी हम बोले थे कि गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, सर मिट्टी मुलायम और गठी होनी चाहिए। आप अकड़न में आके शरीर में भले मांस नहीं हो, देखने में लड़का दुबला पतला है, जिस जवानी में कमल की तरह चेहरा खिला होना चाहिए उस जवानी में बुढ़ापा आ गया है। हर संडे को 8 से 10 बजे आपको बुलाया जाता है, जवानी तो यहां से दिखती है, पूरा नहीं।